पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पौने पौने दामों में जमीन ली गई थी, लेकिन उस तौर से हफ्ता हाल आप देख लीजिए। न उसमें किसी को दुकान मिली, न मकान मिला, छोटी छोटी दुकान। कानून ये है कि लगभग 70% लोगों की उसमें सहमति होनी चाहिए। साथ ही यहाँ का जो MTA है, ये बहुत बड़ा गिरोह सरगना के रूप में काम कर रहा है और इसको सह मिल रही है यहाँ के प्रशासन से। जिला प्रशासन इसमें बिल्कुल मूल व्रत रखे हुए है, वो कोई इसमें अगुवाई नहीं कर रहा, किसानों की बात नहीं सुन रहा। मेरा नाम हरकिशोर सिंह है। आज यहाँ अम्बेडकर पार्क में ये उपवास चल रहा है और ये उपवास इसलिए चल रहा है कि मुरादाबाद से सटे हुए जो 11 गांव हैं उनकी भूमि को अर्जन के लिए MDA मुरादाबाद विकास प्राधिकरण ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 1250 हेक्टेयर भूमि, लगभग जो है 20,000 से भी ज़्यादा बीघा भूमि को उन्होंने MDA ने लेने का एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिससे क्षेत्र के लोगों को अपनी ज़मीन जाने का खतरा लगा और वहां तमाम जो है बहुफसली कृषि भूमि है, प्लाट हैं, मकान हैं, दुकानें हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं और लंबे समय से आंदोलन भी चल रहा है। कई बार MDA को ज्ञापन दिए गए, जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया गया, लेकिन अभी वो नोटिफिकेशन रद्द नहीं किया गया है और वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर MDA और अपने दलालों के माध्यम से लोगों को गुमराह करके, सीधे साधे किसानों को, जनता को गुमराह करके वो भूमि लेना चाहता है। तो आज इसी के विरोध में ये शांतिपूर्वक यहाँ उपवास रखा गया है और इसके माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मांग पत्र भेजेंगे कि ये जो नोटिफिकेशन है जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, तमाम बर्बादी छा जाएगी और भुखमरी के कगार पर लोग पहुंच जाएंगे, तो इसलिए ये उपवास है और उपवास के माध्यम से हम ये मांग करते हैं कि ये नोटिफिकेशन MDA तत्काल रद्द करे। और अगर ये नोटिफिकेशन रद्द नहीं होता है तो 6 फरवरी को भूमि बचाओ मार्च हम यहाँ से निकालेंगे और प्रशासन को जो है इसके लिए हम आगाह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द MDA अपना ये नोटिफिकेशन रद्द करे, नोटिस वापस लें। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।